जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजित नेगी। डिफेंस डायरी के अंक में हर बार की तरह बात एक ऐसे शूरवीर की जिसने अपनी वीरता से नया इतिहास लिखा। एक और अशोक चक्र विजेता की इस बार बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की तीनों सेनाओं और देश की सुरक्षा से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की बात करते हैं। रूस यूक्रेन को 40 दिन पूरे होने वाले हैं और इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी डिप्टी रेसी दिलीप सिंह दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी डिप्टी रेसी दिलीप सिंह ने साफ तौर पर भारत को रूस यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की हिदायत दी, एक तरह से धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर चीन के साथ एलएसी पर तनाव होता है तो रूस भारत की मदद के लिए नहीं आएगा। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने दो दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। रूसी विदेश मंत्री ने साफ किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस भारत को हर तरह के हथियार और साजिश सामान देता रहेगा, देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात फिर चाहे एस 400 की हो, रूस से बड़े जंगी जहाजों की हो। और इस बीच सामरिक तौर पर और वैश्विक माहौल में भारत कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका को अपना डिप्टी रेसी इस दौरान भेजना पड़ा और रूस के विदेश मंत्री ने भारत से रूस के दौरान मध्यस्थता की बात की। इस जो दोनों के बीच बातचीत चल रही है उसमें उस बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया कि भारत तैयार है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें तो बातचीत आगे बढ़े, उसमें मदद के लिए तैयार है। और अब बात एक और बड़ी खबर की, तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई। हाल में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय वायुसेना के लिए HAL से 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH लेने का फैसला किया। 3,887 करोड़ का ये रक्षा समझौता है। आने वाले दिनों में ये स्वदेशी, पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना को मिलेगा। भारत की तीनों सेनाएं मौजूदा जो हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में है उस पर पूरी तरह से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और अपनी तैयारियों को लगातार हर मोर्चे पर चाक चौबंद कर रही है। डिफेंस डायरी के संक में अब बात एक ऐसे वीर की जिसने देश के बाहर एक ऐसा कारनामा किया, एक वीरता की ऐसी कहानी लिखी जिसकी चर्चा हम डिफेंस डायरी में करेंगे। बात मेजर डॉक्टर लैशराम चूतिन सिंह की, जिनका जन्म 1972 में मणिपुर के घर में हुआ और 2003 में मेजर चूतिन सिंह ने डॉक्टर के तौर पर सेना के आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन लिया। पेशे से डॉक्टर थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत वो सेना में जाने चाहते थे। डॉक्टर के तौर पर वो आराम की नौकरी कर सकते थे, पैसे कमा सकते थे, बावजूद इसके ज्योतिन सिंह सेना में जाना चाहते थे। 2003 में आर्मी मेडिकल में कोर में भर्ती के बाद उन्हें 2010 में अफगानिस्तान जाने का मौका मिला। इस वक्त जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में लगातार तालिबान से मुकाबला कर रही थी, उस दौरान मेजर ज्योति सिंह की पोस्टिंग साल 2010 में अफगानिस्तान में भारतीय एम्बेसी में हुई। भारतीय दूतावास में उनको नियुक्ति मिली। भारतीय दूतावास सुरक्षा के लिहाज से उस पर लगातार आतंकियों का खतरा बना रहता, तालिबानी आतंकी लगातार उसे निशाना बनाते रहते। इस बीच घटना 16 फरवरी 2010 की है। मेजर ज्योतिन सिंह को अभी मात्र हफ्ते भर का ही वक्त हुआ था जब वो अफगानिस्तान पहुंचे थे। अभी वो आसपास की चीजों को समझ रहे थे, हालात को समझ रहे थे। और इस बीच 16 फरवरी 2010 की सुबह 2 से 3 आत्मघाती आतंकियों ने भारतीय दूतावास पर हमला बोल दिया। सुबह का वक्त था, भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद एक आतंकी भारतीय दूतावास के मेन गेट पर आने में सफल रहा और उसने मेन गेट पर पहुंचते ही अपने शरीर में लगे आत्मघाती विस्फोटक से अपने को उड़ा दिया।
जिसकी वजह से गेट पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी थे वो मारे गए और दरवाज़ा खुल गया। उसकी वजह से जो बाकी वो आत्मघाती आतंकी थे वो अंदर जाने में कामयाब हो गए। सुबह का वक्त था, सुरक्षा कड़ी होने के बावजूद पूरे दूतावास में अफरा तफरी मच गई और जो दूसरा आत्मघाती आतंकी था वो लगातार कोशिश कर रहा था कि वो दूतावास के अंदर कार्यालय में या ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद हों जिससे भारी नुकसान पहुँचाया जा सके। अचानक जो दूसरा आत्मघाती आतंकी था वो एक ऐसी बिल्डिंग में घुसा जहाँ पर कई आतंक जो अधिकारी थे सुबह के वक्त मौजूद थे। आत्मघाती आतंकी लगातार गोलाबारी करता हुआ अपनी ऑटोमेटिक राइफल से और साथ ही हथगोले भी अलग अलग के आसपास की बिल्डिंगों में फेंक रहा था। अंदर जो अधिकारी जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने पोजीशन ली, काफी शोर शराबा शुरू हो गया। इस बीच मेजर जोतिन सिंह जो सुबह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे उन्होंने भी शोर शराबा सुना और वो उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े जहां पर जो आत्मघाती आतंकी था वो मौजूद था। मेजर जोतिन सिंह ने मौके को भापा, उन्हें पता चल चुका था कि ये आत्मघाती हमला है, आतंकी दूतावास के अंदर आने में कामयाब रहे। एक डॉक्टर होने के बावजूद उनकी जो सेना की सिखलाई थी जो उन्होंने एक अधिकारी के तौर पर शपथ ली थी इस वक्त उन्होंने अपना उनका जो डॉक्टरी का पेशा था उन्हें अपने ऑफिस जाना था लेकिन उन्होंने मोर्चे पर जाना पसंद किया। वो धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने स्थिति को भांपने की कोशिश की। एक आत्मघाती आतंकी उन्हें बिल्डिंग के मेन गेट पर खड़ा नजर आया जो लगातार फायरिंग कर रहा था। मेजर जोतिन सिंह आसपास में धीरे धीरे उस आतंकी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बिना हथियारों के आगे बढ़ रहे थे। वो चाहते थे किसी तरह से वो उस आतंकी को काबू में कर लें जिससे कि वो अंदर बिल्डिंग में दाखिल न हो पाए और अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको नुकसान न पहुंचा पाए। छुपते छुपाते मेजर जोतिन सिंह कामयाब हो पाए और उन्होंने पीछे से जाकर उस आतंकी को अपने कब्जे में ले लिया और वो कोशिश कर रहे थे कि उसको वो मुख्य जो बिल्डिंग है उसके अंदर न घुसने पाए, उसे बाहर ले जाए। उत्तम गुत्था इस लड़ाई में उन्होंने पूरी तरह से उस आतंकी को काबू कर लिया, उसका हथियार उन्होंने छीन लिया, उसके राइफल उन्होंने दूसरी तरफ फेंक दिया, उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और उसे वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई में बिल्डिंग से बाहर लाने में कामयाब रहे और एक बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की क्योंकि आतंकी अंदर दाखिल होकर अपनी AK-47 राइफल और हथगोलों से भारी तबाही मचा रहा था। लेकिन इस बीच जो आतंकी था वो पूरी तरह से आत्मघाती हथियारों से लैस था। काफी देर तक गुत्थम गुत्था की लड़ाई में आतंकी अपने शरीर में लगे उस बटन को दबाने में कामयाब हो गया जिसकी वजह से आत्मघाती विस्फोट हो गया। उस आत्मघाती आतंकी के साथ मेजर जोतिन सिंह शहीद हो गए। 2 घंटे तक चली इस भीषण गोलाबारी में आतंकियों ने 16 कर्मचारी लोग ऊपर मौजूद थे उन्हें मार डाला लेकिन मेजर जोतिन सिंह सुरक्षा बलों ने भी इस भीषण और आत्मघाती लड़ाई में 3 आतंकियों को घात कर दिया। भारतीय सेना की परंपरा निर्वाह करते हुए अपने प्राणों का मेजर जोतिन सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया और सबसे खास बात वो एक डॉक्टर के तौर पर मेडिकल कोर में शामिल हुए थे लेकिन उन्होंने एक वीर सैनिक की तरह मौका आने पर अपनी वीरता का परिचय दिया। पर भारतीय सेना में शामिल हर जवान हर अधिकारी इसी परंपरा का निर्वाह करता है। युद्ध के मोर्चे पर चाहे सेना में शामिल कुक हो चाहे दूसरा कोई कर्मचारी हो जब मौका आता है तो अपनी वीरता से पीछे नहीं हटता।
और इसी परंपरा को मेजर ज्योति सिंह ने सेना में डॉक्टर के तौर पर छोटे से कार्यकाल में जब वो अफगानिस्तान में बीमार थे हफ्ता फूट रहा था उन्हें मौका आने पर बिना हथियारों के एक खूंखार आत्मघाती आतंकी को नियंत्रित किया और एक बड़ी मुठभेड़ के दौरान उन्होंने उस आतंकी को मुख्य बिल्डिंग में घुसने से रोका जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई। सेना ने उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें शांति काम का सर्वोच्च अशोक चक्र सम्मान दिया। डिफेंस डायरी के अंक में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात करिए ऐसे ही वीर सपूत की जिसने सेना और देश का नाम रोशन किया। जय हिंद।